अब तक इसराइल हमास के ठिकानों पर हमला करता रहा है, लेकिन अब लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी इसराइल हमला कर रहा है। पूर्वी लेबनान में इस वक्त लगातार हमले इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। कई ऐसे ठिकाने हिजबुल्ला के जो बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं, यानी अब हिजबुल्ला, हमास या ईरान पहल करे उससे पहले अब इसराइल ने भी अपनी जो एक रणनीति है वो बना ली है। क्या है ये रणनीति, किस तरह से इसराइल जो है वो पूर्वी लेबनान में हमला कर रहा है, किन किन ठिकानों को उन्होंने अपने निशाने पर ले रखा है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में दोनों की रणनीति की चर्चा करेंगे कि कैसे इसराइल जो है, IDF जो है, वो कैसे हिजबुल्ला को निशाना बना रही है और दूसरी तरफ हिजबुल्ला जो है वो कैसे इसराइल को टारगेट कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पिछले 24 घंटे में इसराइल की तरफ से, IDF की तरफ से बहुत बड़ा हमला हुआ है हिजबुल्ला के ठिकाने पर लेबनान में। बताया जा रहा है कि ये जो इलाका था ये नबीचित इलाका कहलाता है लेबनान का, जहाँ पे हिजबुल्ला का बड़ा हथियारों का ठिकाना था, बेस था, यहाँ पे हथियार बहुत सारे जमा थे। और ऐसे बताया जाता है कि ये ईरान की तरफ से हथियार जो थे वो हिजबुल्ला को दिए गए थे, ये एक ठिकाने पर जमा किए हुए थे। यहाँ पे खुफिया जानकारी मिली मोसाद को, जिसके बाद IDF ने एयर स्ट्राइक किया और इस पूरे बेस को तबाह कर दिया। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हथियार थे जो सबके सब तबाह हो गए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक और हिजबुल्ला का बड़ा कमांडर है, देखिए IDF जो है वो चुन चुन के हिजबुल्ला के जो कमांडर्स हैं उनको टारगेट कर रहा है। तो ऐसी एक हुसैन कमांडर थे हिजबुल्ला के, इनकी भी मौत हो गई है। और ये जो है मिसाइल और रॉकेट जो प्रोग्राम है हिजबुल्ला का, ये इसके बड़े एक कमांडर थे, मतलब जो हिजबुल्ला जिन रॉकेट्स और मिसाइल्स से हमला करता है इसराइल पे, कहाँ हमला करना है, कैसे सप्लाई होना है, इसमें ये कमांडर की हुसैन जो है इनकी बड़ी भूमिका थी। तो कुल मिला के पिछले 24 घंटे में जो बड़ा हमला, इसराइल कोशिश ये कर रहा है कि जो अब तक हमले हिजबुल्ला की तरफ से हुए हैं, जो उनकी पूरी रणनीति तैयार की जाए थी, जो उनका मास्टर माइंड था, उसी को खत्म कर दिया जाए, है ना। ये हम शुरू से देख रहे हैं कि चाहे फौज शुक्र हो या दूसरे भी कमांडर्स हो, तो इसराइल जो है वो मोसाद जो है वो इनकी लोकेशन का पता लगाता है, उसके बाद इसराइल जो है सीधा इनके कमांडर्स को टारगेट करता है। और उसी तरह से एक और बड़ी बात सामने आई है कि बदले में पलटवार भी हिजबुल्ला की तरफ से बहुत ज़बरदस्त पलटवार हो रहा है इसराइल की तरफ। और हम जो अभी तक समझ पा रहे हैं, तो जो रणनीति हिजबुल्ला ने अपना रखी है इसराइल के खिलाफ वो तिहरी नीति है। मतलब अब तिहरी नीति का कहने का मतलब है, एक तरफ तो मिसाइल से हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अभी ऐसा बताया जा रहा है, ये हिजबुल्ला की तरफ से दावा किया गया है कि इसराइल में IDF के 10 ठिकानों को हिजबुल्ला ने तबाह कर दिया है। अच्छा। ये दावा है, इसकी सच्चाई तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये दावा कर रहा है हिजबुल्ला। तो अब एक बात तो साफ है कि आयरन टैक्टिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ। कि आप उधर से कुछ हमले करें, हम इधर से कुछ हमले करें, आपने जो रणनीति बनाई उस पर हम और ज्यादा कुछ बेहतर करके दिखाए, यानी वॉर टैक्टिक्स के तौर पर। अब इसमें एक जो गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक इसराइल के ऊपर हिजबुल्ला के जो रॉकेट और मिसाइल्स थे वो ज़्यादा नहीं गिर पाते थे, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें ये रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल की धरती पे, ज़मीन पे गिर रहे हैं। अच्छा, तीसरी एक चीज़ इसमें नई निकल के सामने आई है, जो कि तीसरा तरीका माना जा रहा है हिजबुल्ला का, वो है फिदाइन अटैक्स, जिसे हम लोन वुल्फ अटैक भी कह सकते हैं। अभी हाल ही में, मतलब ये परसों रात की बात है, कि तेल अवीव में, इसराइल की राजधानी तेल अवीव में, एक ट्रक था, शायद ट्रक में काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव के साथ एक शख्स था, जो कि बताया जा रहा है कि शायद हमास या हिजबुल्ला से जुड़ा हुआ था, और वो तेल अवीव में ब्लास्ट कर गया। तो देखिए, ये काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि तेल अवीव में, इसराइल की राजधानी में, इतना बड़ा धमाका हुआ। और ये बताया जा रहा है कि हमास के और हिजबुल्ला के कई सारे लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, जिसमें जो इनके फिदाइन होते हैं वो इसराइल के कई शहरों में मौजूद हो सकते हैं और इनके पास एक्सप्लोजिव्स हैं जो कभी भी कहीं पे भी धमाका कर सकते हैं। एक सवाल और मयंक, चूंकि देखिए मुसाद की बात बार बार होती है, मुसाद जिस तरह से अपनी खुफिया तरीके से काम करता है और जो इन्फॉर्मेशन उसकी होती है, फिर इसराइल उस पर सटीक हमला करता है। आप कह रहे हैं कि जो हिजबुल्ला के जो कमांडर या लड़ाके हैं कुछ उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, वो भी उसी तरह से एंट्री कर रहे हैं, इसराइल के अंदर घुस रहे हैं, फिर चुन चुन के उनके नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। मतलब अब कहीं ना कहीं इन दोनों की रणनीति एक तरीके से, लेकिन कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा
युद्ध में सीधे तौर पे ना जाकर हम इस तरह से प्रॉक्सी वॉर की तरह से नेताओं को हम टारगेट करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो जिस तरीके से अब तक IDF काम कर रहा था या मुसाद काम कर रहा था, अब ऐसा लगता है कि हिजबुल्ला ने भी उसी लाइन पे काम करना शुरू कर दिया है। और हमने आपको पहले भी बताया था, हमने चर्चा की थी इस बारे में कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये हिजबुल्ला के निशाने पर हैं। जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, वो इनके निशाने पर हैं। IDF के चीफ जो हैं, मुसाद के चीफ जो हैं, ये जो हिजबुल्ला के निशाने पर है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो हमला तेल अवीव में जो ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है इसका टारगेट क्या था, कौन था, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन मुसाद ने ऐसी आशंका जाहिर की है, CIA की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो इसराइल के टॉप नेता हैं या जो बड़े अधिकारी हैं वो हिजबुल्ला के निशाने पे हैं। और अब जबकि ये बात सामने आई है कि हो सकता है कि कई शहरों में हिजबुल्ला और हमास के फिदाइन हों, तो इस तरह के हमले इसराइल में अभी और देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और एक सवाल और मैं, चूंकि देखिए अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से इन तमाम देशों के बीच, चाहे वो हमास के साथ इसराइल की हो, हिजबुल्ला के साथ इसराइल या ईरान और इसराइल की हो, शांति से सब कुछ निपट जाए। लेकिन एक तरफ जब कहते हैं कि अमेरिका इन सब चीज़ों की वार्ता कर रहा है, उस पर पूर्वी लेबनान में अटैक हो रहे हैं, हमास के ठिकानों पर यानी गजा में भी आपके अटैक हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये एक वॉर स्ट्रेटजी है कि एक तरफ तो शांति चल रही है, दूसरी तरफ आपके लगातार अटैक हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या मंशा देखते हैं और अमेरिका की भूमिका क्या देखते हैं? देखिए, ये अभी जो है एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो इसराइल में थे और उसी दौरान जो है गाज़ा पे IDF ने बहुत बड़ा हमला किया और काफ़ी सारे वहाँ फिलिस्तीनियों को मार दिया। तो देखिए, एक तरफ तो शांति की बात हो रही है। अच्छा, एंटनी ब्लिंकन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सामने आया इसराइल से, उन्होंने मतलब तेल अवीव से उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, जो बंधक हैं इसराइल के, जिन्हें बंधक बना रखा है हमास ने, तो अब ये आखिरी मौका है। अगर इस समय अगर शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ती है, अगर किसी तरह का सीज फायर अब नहीं होता है, तो शायद फिर आगे होना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका भी इस बात को समझता है कि अगर इस पूरे क्षेत्र में अगर कोई बड़ा युद्ध होता है, देखिए पूरी दुनिया में इस समय इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की, वो ठीक नहीं चल रही है। अमेरिका पे भी कहा जा रहा है कि वहाँ भी स्लो डाउन है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ कोई बड़ा वॉर हो जाता है जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो जाता है, अमेरिका, रूस, अगर वो भी में आ जाते हैं, तो पूरे दुनिया में जो है एक प्रकार से हाहाकार मच सकता है। ऑयल प्राइसेस जो है वो आसमान छूने लगेंगे। इसका पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत भयंकर असर होगा। तो अमेरिका शायद इस बात को समझ रहा है, तो एक कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मैं अपने राष्ट्रपति का जो है संदेशा लेके आया हूँ और पीस प्रोसेस के लिए जो है वो कोशिश होनी चाहिए आगे। लेकिन जब वो ये बात कर रहे थे, उसी समय इसराइल जो है वो गाज़ा पे बमबारी कर रहा था। दूसरी तरफ जो है नेतन्याहू की तरफ से भी बयान सामने आया है। नेतन्याहू का कहना ऐसा है कि भाई, पीस प्रोसेस अगर आगे बढ़ानी है, सीज फायर आगे बढ़ाना है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो हमास के ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी अब सिनवर के ऊपर है, जो कि नए नेता हैं हमास के। मतलब एक दूसरे पर डाल रहे हैं, अगर यहाँ पर राजनीतिक भविष्य है तो उन्हें अपने जो संगठन है उसको बचाने की, सिनवर के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि वो बचाने की अपने संगठन की कोशिश है, तो कौन पहल करे? ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इसी तरह से प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा क्या? देखिए, अब ये इजिप्त में जो है वो एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें शांति वार्ता को लेकर आगे बात बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो अब देखिए, कुल मिला के हालात अभी ऐसे हैं कि जो ईरान जो है वो सीधे तौर पे युद्ध में शामिल नहीं है, अमेरिका सीधे तौर पे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। जो हम अक्सर बात करते हैं डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट वाली, कोई किसी पे विश्वास, बिल्कुल नुमाइंदा अगर है इसराइल में, उसके बाद भी हमले हो रहे हैं, यानी ट्रस्ट नहीं है। हाँ, तो एक दूसरे पे किसी का कोई विश्वास नहीं है और ये पूरी जो लड़ाई है ये प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जा रही है। और एक बड़ी बात और भी निकल के सामने आई है कि ऐसा बताया जा रहा है कि अब तालिबान जो है वो तालिबान भी हमास और हिजबुल्ला की मदद के लिए सामने आ गया है। तो अब आप देखें कि एक प्रकार से बिना किसी फॉर्मल युद्ध के भी अगर आप देखें तो इसराइल के, अब आप देखिए हिजबुल्ला उनके खिलाफ है, हुती हमले करने के लिए तैयार है, तालिबान भी साथ आ चुका है। तो ऐसे जो है एक प्रकार से आप देखें तो इसराइल पे 3-4-5 संगठन जो है वो लगातार हमले करने को तैयार हैं। तो इस ऐसे में इसराइल के लिए बड़ी चुनौती है कि एक तो उनके जितने प्रॉक्सीज हैं ईरान के, इनका, हाँ, बहुत सारे मोर्चे पे इनका जो है वो सामना करना है। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आगे चल के कोई बड़ा युद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति में एक बड़ी चुनौती जो है वो इसराइल, अमेरिका सबके सामने खड़ी हो जाएगी और ये पूरा इलाका जो है वो एक बार फिर से जो बड़ी युद्ध की तरफ बढ़ सकता है।
तो आप समझ सकते हैं कि जो भी बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से प्रॉक्सी वॉर ही अभी इस वक्त चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर नुकसान बहुत कर रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि इन जो कि जो मिडिल ईस्ट का ये तमाम जो इलाका है और ख़ासतौर पर इसराइल है और जो ईरान है, वहाँ पर शांति बहाल की जाए। लेकिन इन बड़े छोटे हमलों के बीच ऐसा तो होता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।